চুরি যাওয়া 3 লক্ষ টাকা স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। একই সাথে চুরি যাওয়া 1টি স্কুটি আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চোর চক্রের 5 সদস্যকে। মঙ্গলবার পূর্ব আগরতলা থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, 2টি চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানায়। এই 2টি মামলার মধ্যে 1টি মামলায় 2জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলো নয়ন বর্মন ও উদয় দত্ত। তারা রেন্টাস কলোনি এলাকার বাসিন্দা। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার। অপর মামলায় 1টি স্কুটি সহ 3জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলো সাগর সরকার, রাহুল দাস ও বিশাল সাহা। इसके दौरान हमने 2 सर राइड्स कर रहे थे तो कि 6 चोर पकड़ा गया टोटल। तो 2 केस हुआ है, एक केस में हमारा रिकवरी है टोटल 1 पेयर ईयर रिंग, गोल्ड ईयर रिंग और 1 पेयर गोल्ड बैंगल और 1 गोल्ड चेन। तो इसमें 2 लोग अरेस्टेड है, एक का नाम है उदय दत्ता, 18 साल का है, तो रहने वाला है रेंटर्स कॉलोनी का, और एक नयन बर्मन है, वो भी रेंटर्स कॉलोनी का है, उसका एज 22 ईयर्स है। दोनों अरेस्टेड है और एक स्पेसिफिक कंप्लेंट भी रजिस्टर कर केस में। और एक केस में हम लोग एक स्कूटी रिकवरी किया है, उसमें 3 लोग अरेस्टेड है। एक का नाम सागर सरकार है, 19 ईयर्स, ये जगतपल्ली रजिस्टर कर केस के अंदर सुभाष नगर। और राहुल दास 20 ईयर्स, ये हरी बस्ती दुर्गा चौमनी के पास रहता है। और एक विशाल शाह 22 ईयर्स, ये जगर हरी मुरा अंदर इस लगा तरफ केस, एक बाइक रिकवरी स्कूटी रिकवरी हुआ है हैंगिंग ब्रिज के पास। जो रिकवरी हुआ कितना इसका जो गोल्ड का जो है अराउंड 3.5 लाख है इसका, और स्कूटी का तो 50,000 है। इन लोग इंट्रोडक्शन के बाद एक उदय दत्ता के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।